सुना तो मैंने था कि स्पीति की राइड बहुत एक्सट्रीम होती है, यहाँ तो स्पीति पहुँचने से पहले ही पूरी राइड ही इतनी एक्सट्रीम लेवल पे और एडवेंचरस चल रही है। सो एक ही राइड पे आज सब देख लिया है, बारिश भी और फॉग भी, इतनी डेंस फॉग है अभी, और इन्होंने मेरे को बताया कि आगे कुफरी के बाद और ज़्यादा डेंस फॉग होने वाली है। अपनी मॉम को बाय बाय बोल के और उनका आशीर्वाद लेके चलो, ठीक है, ओके बाय बाय। निकल गया हूँ मैं एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करने और कुछ नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग स्ट्रेट फ्रॉम द हाईवे। और वैसे तो आप लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि फाइनली अपनी स्पीति राइड शुरू हो गई है। और 9 to 10 डेज पूरे स्पीति और किन्नौर वैली में हम लोग राइड करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाने वाले हैं। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक महीने का एक ब्रेक लेके फॉर अ गुड थिंग मैं अभी फाइनली बैक टू हाईवे, फाइनली बैक टू राइडिंग। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं फर्स्ट टाइम हिमालयाज में राइड करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बहुत ट्रिप मारे हैं जिसमें मैं गाड़ी से गया हूँ, बट मैंने कभी बाइक राइड नहीं करी है। इट विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग बाइक इन हिमालयाज, दैट टू लाइक हैवी लोडेड विद लगेज, फुल गेयर्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत ही एक अलग फीलिंग है अभी मन में। अभी आई एम सो फुली एक्साइटेड क्योंकि इतने टाइम बाद राइड कर रहा हूँ, दैट टू नॉर्थ इंडिया में। वाओ। तो अगर हम सीधा चले जाते हैं तो पटियाला, पंजाब, अमृतसर वगैरह जाते हैं, और चंडीगढ़ और शिमला के लिए हमें लेफ़्ट साइड रखना पड़ेगा इधर से। और एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं बारिश बहुत ही भयंकर तरीके से तेज़ हो रही है, बट जर्नी नहीं रुकनी चाहिए, जर्नी चलती रहनी चाहिए। तो फाइनली आई थिंक मुझे यहाँ पे ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं मुझे राइड करते हुए, एंड यही मुझे सूटेबल की जगह लग रही है। टिल द टाइम आप ये वाला व्यू एंजॉय करोगे, मैं थोड़ा वक्त एक कॉफ़ी ब्रेक लेके वापस मिलता हूँ आपको हाईवे पे। अब मौसम थोड़ा क्लियर हो गया तो सोच रहा हूँ अपना फ्रंट कैमरा लगा ही लिया जाए। डालते हैं हमारा न्यू एडिशन टू आर मोटो ब्लॉगिंग ट्रैवल जर्नी। बहुत इजीली माउंट होता है, ये है DJI का एक्शन कैमरा 2 और चलते हैं इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये एक्सपीरियंस। लव्स कैमरे। आई थिंक मॉनसून इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू राइड बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको मौसम मिलता है। कहीं पे आपको फॉग, कहीं पे आपको बारिश, क्लाउडी, और ऐसे क्लाउड आपको आपके मुंह पे चीखते हुए आपको आते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है भाई। भाई यार कहाँ आ गया हूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। 0 विजिबिलिटी जोन, अभी तो शिमला भी नहीं पहुँचा हूँ। ऐसे अगर मौसम रहा तो भाई आज तो पूरा दिन लग जाएगा मेरे को सरहद पहुँचने में, बट जो भी है बहुत खूबसूरत है और बहुत ही स्कैरी भी लग रहा है क्योंकि एकदम 40 की स्पीड पे भी बाइक नहीं चल रही है और आगे कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम कोहरा ही कोहरा है।
मैं शिमला से अभी कुछ 30 किलोमीटर आगे आया था और मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आई स्टॉप्ड एट दिस हिमालयन मोटो क्वेस्ट. ओके, आप बोर्ड देख सकते हैं इनका. हार्डकोर राइडर ग्रुप्स के लिए स्पेशली ये प्लेस है, अगर आपकी बाइक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो. और मेरी बाइक फ़िलहाल अभी ठीक हो गया, चेन स्प्रॉकेट में कुछ इशू आ गया था, वैसे बाइक बहुत गंदी हो चुकी है, बट इट्स ओके. थैंक्स टू विकास सर, थैंक्स टू उस्ताद उस्ताद भाई, आपका नाम नहीं पता मेरे को, देशपाल भाई, थैंक यू सर सो मच. सो इफ़ यू आर स्टक समवेयर आफ्टर शिमला बिफोर नारकंडा, दिस इज़ योर प्लेस, एंड आई पिन डाउन द कमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर लोकेशन ऑल्सो. थोड़ी सी बारिश होते ही इतना फॉगी हो गया. थैंक्स टू विकास भाई जिनके गैराज पे मैंने रुक के अपना अभी चेन स्प्रॉकेट का इशू सॉल्व कर लिया, वरना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती क्योंकि आगे रामपुर के बाद मुझे नहीं मिलेगा रॉयल एनफील्ड का अभी कुछ भी सर्विस वगैरह. सो इट्स बेटर जहाँ पे भी आप स्टक हो वहाँ से आप कोई भी मैकेनिक ढूंढ के आपका काम अपना काम करा लो. सो दिस वॉज अ वेरी गुड प्लेस. और ही इज़ अ हार्डकोर राइडर एज वेल, ही टेक्स ग्रुप्स टू डिफरेंट प्लेसेस इन हिमाचल फॉर राइडिंग. आई एम श्योरली गोना विजिट अगैन. अभी फ़िलहाल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और एकदम फॉगी है तो कुछ दिखाई कम ही दे रहा है. लेट्स सी कैसा रहेगा ये एक्सपीरियंस. सो एक ही राइड पे आज सब देख लिया है, बारिश भी और फॉग भी, इतनी डेंस फॉग है अभी. और इन्होंने मेरे को बताया कि आगे कुफरी के बाद और ज़्यादा डेंस फॉग होने वाली है, सो टाइमली पहुंचना इज़ एडवाइजेबल. थोड़ा सा लेट तो हो गया है. सुना तो मैंने था कि स्पीति की राइड बहुत एक्सट्रीम होती है, यहाँ तो स्पीति पहुंचने से पहले ही पूरी राइड ही इतनी एक्सट्रीम लेवल पे और एडवेंचरस चल रही है. फ्रॉम पास्ट 10 मिनट्स मैं इस बस के पीछे चला रहा हूँ क्योंकि आगे बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है. सो इट्स सेफ कि आगे एक व्हीकल चल रहा है और आपको थोड़ा सा रास्ता अच्छे से दिख जाता है, वरना आप देख सकते हैं आगे विजिबिलिटी कितनी कम है. थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और फॉगी और क्लाउडी तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ. इतने पागलपन के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है. बाइक की हालत आप देख सकते हैं, एकदम ही गंदी हो चुकी है. ये हमारा बाइकर बर्ड्स का प्यारा सा लोगो और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. ओह लुक एट दिस क्रेजीनेस और इस व्यू के साथ. नाइस, चेक दिस आउट. दीज आर द एप्पल ऑर्किड्स. अगर आपको नहीं पता तो एप्पल प्लांटेशन है पूरी. छोटे छोटे एप्पल दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे लगे हुए, बहुत ही क्यूट. ये एरिया में एप्पल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, मज़ेदार. नीचे वैली में भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थी अभी मैंने देखी. एंड अगेन फॉग इज बैक. व्हाट अ टायरिंग एंड एडवेंचरस इंटरेस्टिंग राइड. अभी भी अराउंड 3.5 hours मुझे लगे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, बट ओवरऑल बहुत ही मज़े आ गए हैं. राइडिंग इन हिमालयाज इज द बेस्ट थिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. आई डोंट फील लाइक अलोन, फील्स लाइक के बीच बीच में कोई ना कोई ग्रुप या कुछ ना कुछ मिल जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है हाई फाई देने के लिए या थम्स अप देने के लिए. सो फील्स लाइक अपनापन, मज़े आ जाते हैं ऐसे. सर वेरी फास्ट लॉर्ड सिलेरियो. अब जाके 260 किलोमीटर्स के बाद थोड़ी सी धूप मिली है और ये थोड़ी धूप भी बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि मैं तो पूरा भीगा हुआ हूँ. बट कितनी देर रहेगी ये धूप पता नहीं. मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ और राइड एकदम स्मूथ अभी तक तो जा रही है. बस थोड़ा बाइक का इशू था, वो ठीक हो गया है. थोड़ा आगे प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी.
बट मज़े आ रहे हैं। देखो बीच बीच में कैसे धूप आ जाती है और फिर छांव आ जाती है, बट अच्छा लग रहा है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग योर राइड स्पीति, आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मौसम भी काफ़ी क्लियर है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स मानसून स्टार्ट हो जाता है इस टाइम तक, तो बट कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैंने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया है और यहाँ से व्यू चेकआउट करो गाइस, क्या क्रेजी व्यू है। जैसे जैसे मैं अभी नीचे जा रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है अभी, बारिश फॉग क्लाउड सबका एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा गर्मी का एक्सपीरियंस भी कर ही लिया है इस राइड पे। मैंने काफ़ी देर से अभी मैं राइड कर रहा हूँ तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट व्यू ऑफ द सतलुज आई कैन गेट। क्या ही ज़बरदस्त तेज़ी से फ्लो है इसका, बहुत ही बड़ी रिवर है यार, खतरनाक। चेक दिस आउट गाइस, गलत ही नाइस। और अब देखो कैसे धूप निकल आई है इतनी तेज, क्लियर एकदम क्लियर मौसम है, मज़े आने वाले। कल राइड पे तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले क्योंकि कल हम जा रहे हैं तिब्बत, सो डे टू के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं तिब्बत। ये रोड बहुत ही सुंदर लग रही है भाई, एकदम से मौसम में फुल ऑन चेंज आ चुका है और पहाड़ भी देखोगे ना तो बहुत चेंज हो गया है, एकदम डिफरेंट से ही माउंटेन्स आ गए हैं यहाँ पे, लेस ग्रीन लिटिल ब्राउन। रामपुर आई थिंक हम लोग पहुँचने वाले हैं अनदर 10 किलोमीटर में, क्या पलटी मारी है ना, जज्बात ही बदल दिए मेरे। सरहन कल्पा टैबो, दीज आर द प्लेसेस वेयर आई विल बी विजिटिंग। ऐसा लग रहा है मैं आपके घर के आसपास से गेड़िया मार रहा हूँ, जैसे एक आप जनरल नॉर्मली रूम अराउंड करते हो, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। वाओ, ऊपर क्लाउड देखो, और यहाँ से हमें सीधा ऊपर जाना है यू टर्न लेके सारहन की तरफ। अराउंड 15 किलोमीटर्स मेरा जो होम स्टे है वो यहाँ से है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड आगे और भी बहुत व्लॉग्स आने वाले गाइस, तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये तो बस शुरुआत थी, अभी और धमाके होंगे, मज़ेदार धमाके होंगे एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस विल लाइक इट। पूरा दिन इतने अच्छे हाईवे पे राइड करने के बाद लास्ट के 10 किलोमीटर्स मिला है ये रास्ता, मतलब कमाल ही है यार। 10 किलोमीटर एकदम ही गांव-गांव के बीच में से है, ये व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, और इतनी ही चौड़ी रोड है, नथिंग बिग नथिंग लेस। सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि लास्ट के 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स में हाफ एन आवर क्यों लग रहा है। अब समझ आया कि ये रोड ही इतनी नैरो है सराहन जाने वाली, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई नहीं, जैसी भी रोड है पहुंचना तो है ही, रोड चाहे जैसी मर्जी हो, आसपास का सीनिक व्यू देख के चारों तरफ हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। और ये तो एकदम ऐसे स्कैरी सा रास्ता है, बीच में ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में से जा रहा हूँ, बट अपेरेंटली दिस इज़ द ओनली मेन रोड टू गो टू सराहन। नाइस, नीचे एकदम नीचे से आया हूँ मैं, बीच में गूगल ने एक रास्ता दिखा दिया था जो आर्मी जो कंपाउंड है उसके बीच में से जा रहा है। भाई गूगल पता नहीं क्या आपको, अलग ही ट्रिप पे चल रहे हैं भाई। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर से कौन सा
लास्ट 600 मीटर्स वूहू वी मेड इट, वी मेड इट। काफ़ी कठिनाइयों और 12 से 14 घंटे की राइड के बाद पहुंच ही गए हैं। ओ भाई बेड चाहिए मुझे, अब बस मुझे बेड चाहिए। कैलाश व्यू गेस्ट हाउस कहाँ है भाई? कैलाश व्यू ज़रा दिखाओ हमें भी, किधर है भाई? ये है भाई, ओके ये है भाई, ये तो मैं चेक इन करता हूँ और उसके बाद मेन रोड से काफी सेक्लूडेड है इधर, 17 किलोमीटर तो चिटकुल वगैरह जाने के लिए वही चेंज होता है, 17 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा फिर आगे। तो फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं और ये है कुछ मेरे यहाँ से व्यू। ओवरऑल जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डे वन के लिए इतना ही था, बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर डे टू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।